का हाँ मैं सर, मैं खिदमत समझ कर रहा गया हूँ, सवाल आपका। खिदमत मैं कर रहा समझ हूँ। गया तीन आपका। सवाल आपके हो गए हैं, आप फरमाएं क्या सवाल है आपका। अच्छा, मेरा ये सवाल है, मेरे एक और भाई है अभी मेरे पास, उसने दो स्वान किए हुए हैं ना, तो जी बहुत अच्छी गाय है माशाल्लाह, पुटी गाय है, मतलब सींगों के बगैर ना, ये जी फ्रिजियन गाय है। तो फ्रीजियन है, ठीक। डॉक्टर साहब, ये अक्सर मतलब इसको साड़ू जैसे बोलते हैं ना, मिस्टाइटिस, ये हाँ आ जाता है ना, तो हाँ जी कभी इसके थनों में मतलब गिड़का, जैसे हम बोलते हैं जमा हुआ दूध, वो मारने शुरू हो जाए, नहीं पानी से नहीं बनाना ना, माता कभी भी नहीं हुआ, हाँ ठीक है। नहीं, मेरी जान तो उसका सुन ले। हाँ जी, कर ले बात पूरी, कर ले। मेरी बात पर पूरी, तो एक दफा इसने साड़ू डाला है डॉक्टर साहब, इसकी की जो मतलब एक खान का हेडक्वार्टर जो है ना, उसके ऊपर मतलब जैसे नहीं वो सख्त हो जाती जो कीड़ी पट्टा हाँ जी, पट्टा वो जैसे वो करता था, तो और सूज जाती जी है, सख्त हो जाती है। हाँ जी सख्त हो जाती है। एक दफा उसने किया है, तो मैंने फिर ट्राई ट्राई एक्शन एनले लगाया है ना, ये एंटीबायोटिक और साथ केटोजेक, ठीक ठीक। है। तो कुछ दिनों बाद ये इसका दूध था तकरीबन 16 लीटर, ठीक है। तो अभी जो है मतलब इसका वो साइड जो, तो ये खान जो जिसपे ये मतलब बीमारी ने हमला किया है, तो वो खान अभी मतलब उसमें तो एक पाव दूध भी नहीं रहा ना, दूध चलता है ठीक है, पहले कुछ दिन मतलब पीता थोड़ा ठीक, पीता अच्छा। था, हाँ जी, हो गई है ठीक वो वैसे। चल रहा है दूध उसका, चल रहा है खान ठीक है। खान के अंदर जो वो जो ऊपर वाली साइड है ना, उसमें अंदर गिर गया है, तो बाकी 3 खानों में दूध तो आ गया है, लेकिन अभी तो दूध भी इसने बहुत काम कर दिया है, तकरीबन एक टाइम का 8 लीटर दे दी थी, अभी ये मतलब 3 साढ़े 3 लीटर की आ गई है ना। तो हाँ जी चौथा जो खान इसका है वो तो मतलब ना वो पसंद का भी नहीं है ना, अच्छा, जैसे दूध मतलब उतारना जैसे बोलते हैं, तो वो भी नहीं होगा, तो उसमें दूध ही नहीं है, तो फिर तो किस तरह करेगा, उसमें दूध ऊपर गिरती नहीं है। डॉक्टर साहब, इसको अक्सर जो है ना, अक्सर इसको साड़ू पड़ता है इस गाय को, इसका जो कोई ऐसा इलाज मुझे मुझे बताएं कि अगर ये जड़ से किसी तरीके से खत्म हो ये जाए, ये अगर बहुत जड़ काम। से खत्म करना है तो आजकल ट्राई ऑक्सिल, तो एमोक्सिसलीन है, जिसको मैंने हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता आया हूँ। आजकल एक कॉम्बिनेशन में आ गया है, वो आप अगर आपको मिल जाए, कोबैक्टन। वो हाँ, कोबैक्टन 2.5%। जो ट्यूब है खानों में चार दें, नहीं, कोबैक्टन ये ठीक है, 100 ml का ये पूरा कोर्स कराना होता है, 40 cc पहले दिन, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 30। अच्छा तो पहले दिन 40, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन फिर 30, ये 30, चालीस। हाँ जी, ये आपने 100 cc ये कंप्लीट करना है। अगर कोबैक्टन 2.5% ना मिले तो जी आपको, अब एक नई आ गई है, एक नया है, कॉम्बिनेशन है, ये आप लिख लें, जी कोलीमॉक्स। पॉली मार्क्स, हाँ, कोली, कोली नहीं है वो क्रिकेट वाला इंडिया का, अच्छा कोली, COL आई कोली, अगेन कोली, कोलीमॉक्स, MOX, अच्छा कोली कोली मॉक्स मार्क्स, एल ए लिखा होगा। अच्छा ये भी इसी तरह, इसी तरीके ये से लगाना है क्या? इसी तरतीब में, लेकिन है इन दिनों में जब टीके लगाने हैं तो इसको 2 लीटर दूध में अच्छा 100 ग्राम सफेद जीरा अच्छा और 1 पाव देसी लहसुन अच्छा और 1 टांक मीठा सोडा, अच्छा ये रोजाना, एक रोजाना खीर देनी है 6-7 दिन। अच्छा एक और ये थूम, तो सर ये तकरीबन इसको 1.5 माह हो गया है, ये इसको टीका भी रखा हुआ है ना? नहीं, अगर टीका रखा हुआ है तो इसमें इजतनाब करते हैं, फिर आप अगर 1 महीना हो गया, 1.5 महीना या 3 महीने, नहीं, आपने फिर ये टीके ना लगवाएं, इसको अच्छा आराम से एक जी अडर फिट की बोतलें ले आएं, ये होम्योपैथी की हैं।
अडर फिट, UDDER, हवाना जो होता है अडर फिट, उसको फिट करना। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फाइब्रो फिट तो अडर फिट एक ही तरह के हैं, अच्छा लेकिन उससे अगर नहीं फर्क पड़ा तो चुप करके इसको कैल्केरिया फ्लोर, और जैसा दूसरे को दिया कैल्केरिया फ्लोर और कोनियम वाला, इसको पेड़े में डाल के 10-10 कतरे देते रहें। चूंकि ये हामला अच्छा है और इनिशियल स्टेज है, इसमें मैं एंटीबायोटिक्स जो है वो इज्तनाब करता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता। अच्छा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, अल्लाह फजल करे। अच्छा तो डॉक्टर साहब, बस आपसे करते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं तो पहले पूछा था, नंबर आपका बंद कर, क्या वजह थी? काफी जानकारियां करते थे मेरी आप। जान, अगर आपने 4 सवाल कर लिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सारा दिन ही आपके सवालों के जवाब देता रहूं, तो मेरी जान मेरे पॉसिबल नहीं है। मैं 11 बजे से 1 बजे तक कॉल्स लेता हूं, और अगर आप अंगे देखें, आपकी वजह से अंगेज जा रहे हैं ना, जी दुनिया में जगह जगह से लोग ट्राई कर रहे हैं। कल एक बंदे ने 66 दफा ट्राई करके उसको मिला है। अच्छा तो अगर आपने एंगेज रखना है तो भले अगर रखी रखे, लेकिन लोग जो हैं वो ट्राई मारते रहेंगे, उनको तो नहीं मिलेगा। उनको तो नहीं पता कि एबटाबाद के एक कालर हैं जिनके हथे डॉक्टर चढ़ा हुआ है और वो नहीं छोड़ रहे, और चौथा सवाल भी करेगा, अभी भी चाहते हैं कि नहीं, अभी अब फरमाएं क्या, और कोई याद पूछ ले। डॉक्टर साहब, आपको टाइम नहीं लेता, जजाकल्ला नहीं मेरी जान, शुक्र। आप लें, मैं नौकर हूं आपको। मैंने पहले स्टार्ट में ही चौथी कॉल लेने पे मैंने कह दिया मैं आपका नौकर हूं, खादम हूं। आप फरमाएं, कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है अभी जो बच्चियां मेरे पास, तो माशाल्लाह जो भी मतलब जिसकी प्रेगनेंसी होती है, बच्ची आती है ना, माली आती है, जितनी गाय भी मतलब स्वान करती है माशाल्लाह, तो इनको रखना इसमें फायदा है या इनको सेल करना? हमारा तो चारा वगैरह सब कुछ एक मतलब इनको सेकंड, डालना ये पड़ेगा। 5वां सवाल है, ये बिजनेस का है, मैं ये भी ले लेता। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, मोमिन वो नहीं होता जो पेट भर कर खाए और उसके पहलू में उसका हमसाया भूखा हो। ये मैं शाबुल ईमान से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।